और ये मदरसन कंपनी है, इसे मैं पहले भी बहुत बार आया थी। आप लोग पता ही होगा जो हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे, ये बहुत सारे लड़के खड़े हैं वहाँ पे, मैं देखता हूँ वैकेंसी है कि नहीं। भर्ती चल रही है। तो दोस्तों मैं अभी मदरसन कंपनी के गेट पे गया था, जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो यहाँ पे अभी 15 से 20 लड़के गेट पे खड़े थे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, लड़के और लड़कियों थी, कुछ लेडीज़ भी थी। तो सब लोगों के लिए भर्ती चल रही है, 10th 12th ITI डिप्लोमा सब लोगों के लिए भर्ती चल रही है। और जो रेगुलर व्यूअर हैं पता ही होगा उनको सैलरी वगैरह के बारे में, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ सारे नए लोगों के लिए। तो ये दोस्तों मदरसन कंपनी था और ये हिंजौड़ी फेज 1 में है, और यहाँ पे सैलरी 8 घंटे का 11.5 से 12 हज़ार देखने को मिलता है, और OT यहाँ पे डबल देखने को मिलता है दोस्तों, 100 या फिर 110 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मिलता है। और OT तभी मिलता है जब आप यहाँ पे 1-2 महीने आप पुराने हो जाओगे, तब यहाँ पे आपको OT देखने को मिलेगा, नए में नहीं मिलेगा। और बस कैंटीन यहाँ पे मिलता है देखने को, बस कुछ लोगों के लिए देखने को मिलता है। आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करने वक्त पता कर लेना आप कहाँ पे रहते हो, तो आप उसे जानकारी लेना, कैंटीन रहती है। और यहाँ पे हार्नेस बनता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग पता है जिन्होंने ITI डिप्लोमा किया हार्नेस क्या होता है। तो अभी भर्ती चल रही है, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हो रेड गेट पे आ जाओ, 9 बजे तक गेट पे आ जाओ। और सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए दोस्तों, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लिविंग सर्टिफिकेट, रिज्यूम, ये सब होना चाहिए। 3 फ़ोटो आपका होना चाहिए, सबका 2-2 फोटोग्राफ होना चाहिए। बहुत सारे लोग मिस करते हैं, पैन कार्ड नहीं लेके आते हैं और उन्हें लौटना पड़ता है, मैंने बहुत बार देखा है। तो अगली जो हमारी कंपनी है दोस्तों, चाफेकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, मैं देखता हूँ पूछता हूँ वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों मैं अभी गया था चाफेकर कंपनी में, मज़ा नहीं आया क्योंकि उसने सैलरी इतना कम बताया। उन्होंने बोला 8 घंटे का 370 रुपये और 12 घंटा का 15,000 रुपये उन्होंने आसपास सैलरी बताया, तो मज़ा नहीं आया। कोई बात नहीं, अगर फिर भी कोई ज्वाइन करना चाहते हो तो आ जाओ, ये भी मदरसन कंपनी के जस्ट बाजू में ही है, चाफेकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हिंजौड़ी में पड़ता है। तो भर्ती चल रही है अभी, जैसे मैं बताया चाय मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, और 12 घंटे का आपको 15,000 तक सैलरी देखने को मिलेगा, और 8 घंटे का मतलब 11.5 हज़ार के आसपास सैलरी देखने को मिलेगा। वैसे तो चाफेकर में कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी दोनों बेस से भर्ती चल रही है, तो कंपनी वाले ज़्यादा नंबर देते नहीं हैं, आपको सिक्योरिटी गार्ड से मिलना पड़ेगा जब आप आओगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो था उसने अपना नंबर दिया, बोला ले लो, कॉल करना जब भी ज़रूरत पड़े, मतलब ठीक है दे दो, जिसको भी ज़रूरत हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आप लोगों को नंबर कॉन्ट्रैक्टर का दे दूंगा चाफेकर कंपनी का। तो आगे एक और कंपनी दिख रहा है एक्वाटेक, मैं देखता हूँ यहाँ पे वैकेंसी वगैरह है कि नहीं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड से पूछता हूँ, अच्छी ही लग रही है बाहर से, देखता हूँ फिर। तो मैं अभी एक्वाटेक के एक गेट पे गया था, सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, मैंने पूछा वैकेंसी है कि नहीं, उसने बोला नहीं ये ऑफिस है, इसका मैन्युफैक्चरिंग कहीं और पे होता है। तो खैर कोई बात नहीं, वो मुस्क रहा था। और अभी एडेंट में भी पूरा भीड़ है, देख रहे हैं, मैं जाता हूँ वहाँ पे गेट पे, जो लड़के वहाँ पे बैठे हैं मैं पूछता हूँ आखिर किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, भर्ती चल रही है या फिर ऐसे फिजूल में बैठे हो। हाँ
तो दोस्तों अभी आपने देखा कि एडेंट कंपनी गेट के सामने कितनी अधिक भीड़ थी और यहाँ पे अभी वैकेंसी चल रही है दोस्तों। एडेंट कंपनी हिंजौड़ी फेज वन में है, शिवाजी महाराज शिवाजी चौक से 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आप जब भी हिंजौड़ी फेज वन आओ तो एडेंट कंपनी सर्च करोगे तो बैक गेट पे आ जाओगे। तो अब यहाँ पे भर्ती चल रही है, जैसे कि आपने देखा साहिल सारे लोग फॉर्म वगैरह भर रहे थे। सारे लोग को तो पता ही होगा मैक्सिमम लोगों को एडेंट में कितना सैलरी वगैरह मिलता है, फिर भी नए लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको 8 घंटे का 13.5 से 14 हज़ार सैलरी देखने को मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट चलता है नीम ट्रेनिंग का और ओटी वगैरह भरपूर यहाँ पे देखने को मिलता है। कमाने वाले बहुत पैसा बहुत कमा लेते हैं, 18-20 हज़ार भी कमा लेते हैं। और यहाँ पे आपको कैंटीन वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। थोड़ा हार्ड काम होता है लाइन पे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि मेरा एक पार्टनर है खुद यहाँ पे जॉब करता है, सैलरी वगैरह अच्छा जाता है हमसे ज़्यादा, लेकिन थोड़ा लाइन पे काम होता है। और यहाँ पे गाड़ी का सीट बनता है दोस्तों, सोच लो अपने अनुसार।